वहीं तुम्हारा लालच, वहीं तुम्हारा दूसरे स्वार्थ की बातें, वहीं तुम्हारी चालाकियां, वहीं तुम्हारी धोखाधड़ी की बात। अरे कितने दिन इस संसार में रहोगे, क्या पल्ले बांध के ले जाओगे? ये कोठी बंगले महल मकान किसके साथ चले हैं? साथ अगर गया तो नाम की कमाई करने वाला ही अपने साथ लेके गया। नाम की दौलत को जो भी कमाता है वो उसी की होती है, दूसरा उसमें कोई हिस्सा नहीं ले सकता। इसीलिए बार बार इस चीज की चेतावनी दी गई है कि अपने फायदे की तो बात सोचो। हम दूसरों के लिए अपने जीवन को लगाते हैं, अपनापन ऐसा बांध लेते हैं, अपनेपन का ही फिर दुख होता है, और वही अपने जब वक्त आता है तो छोड़ के चलना भी पड़ता है। क्यों छोड़ के चलना पड़ता है? क्योंकि ये संसार का नियम है, जो आया है वो सो जाएगा, जिसने जन्म ले लिया वो खत्म हो जाएगा। जब सदा कोई चीज रहने वाली नहीं है, हाँ एक चीज सदा रहने वाली है, वो नाम है सदा रहने वाला। नाम अटल है, अमर है, अजर है, अविनाशी है। वो ना जड़ता है, ना मरता है, ना कभी वो खत्म होता है, एक ही अवस्था में रहता है। ना उसका रंग है, ना रूप है। उसको रामायण में कह दिया कि वो बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के काम करता है, बिना आंखों के देखता है, उसमें इतनी ताकत है। दूसरी अपने सिख लोगों की शिक्षा जो गुरु ग्रंथ साहब में संकलन किया गया, उसी में भी कह दिया कि चले बिन पैर, सुने बिन काना, कर विधि काम, करे विधि नाना, अनर रहित सकल रस भोगी, बिन रसना वक्ता बड़े होगी। कि वो बिना पैरों के चलता है, बिना आंखों के देखता है, बिना हाथों के काम करता है। क्या चीज है वो? उसको हम सब जानते भी हैं, मानते भी हैं। हम आस्तिक हैं, हमारी आशा इन चीजों में है, मानते हैं हम। इसीलिए तो हम दूसरी क्रियाओं में फंसते हैं। वो क्रिया कौन सी है? चाहे किसी भी रूप में करते हैं, आस्तिक बन के करते हैं, लेकिन वो अंधी भक्ति है। उस अंधी भक्ति से बाहर कब निकलोगे? जब जिंदा गुरु की शरणागत हो जाओगे। ये किसी चीज को पूजने, पत्थर के पूजने से, पानी के पूजने से, कहीं धोख लगाने से, दीपक जलाने से, या किसी को पिंड दान करने से, या किसी को दूसरे रूप में आप मानते हो, ये अज्ञान की भक्ति है। अज्ञान की भक्ति क्यों है? कि उनमें मुक्ति नहीं है। तुम्हारे मन की तो तसल्ली हो जाएगी, लेकिन रूह की तसल्ली उसमें नहीं है। और जिसमें रूह की तसल्ली नहीं, वो जीव के हित की काम नहीं है। क्योंकि मन तो चाहता है ऐसी चीजें, मन तो फंसाने वाला है, और जो फंसाने वाला है उसी की कुसामद हम करते हैं रात दिन। जो वो चाहता है, जिसे बचना चाहिए था, उसी के गुलाम के, उसी के काम करते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने जो वाणी कही, उसमें यही कही कि गुरु खोजकर भाई, गुरु को हर मुख सन्मुख रखे, गुरु को सत्य पुरुष का रूप जान, अगर तू अपना कल्याण चाहता है तो। क्योंकि जब हमारी धारणा ये हो जाएगी तो गुरु के रूप में तुम्हें हर चीज दिखाई देगी, तुम्हारा ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, अंदर में तुम्हारे ज्ञान जो प्रकट होगा वो तुम्हें हर प्रकार से संतुष्ट कर देगा, हर चीज की तृप्ति करेगा। तुम्हारी भूख की, प्यास की, जीवन की जो भी तुम्हारी बात होगी, उन सबको हर प्रकार से सांत्वना देगा, शांति देगा, और पूर्ण होगा। लेकिन उसमें अपने प्राणों की आहुति डालनी पड़ेगी। जब यह अवस्था, प्राण की आहुति कैसे डालनी पड़ेगी? अपने जीवन को न्योछावर करना पड़ता है इसमें। अब हम तो चाहते हैं मन के गुलाम बन के, जो मन ने चाहा वही काम करना शुरू किया। मन तो कभी नहीं चाहेगा कि आप कोई किसी चीज की अधीन ही करो, या तुम किसी के अधीन रह के उनकी बात को मानो। मन तो हमेशा ही अपनी बात मनवाना चाहता है, लेकिन मन की मानते चले जाओगे, यूं समझो संसार से बंधते चले जाओगे। ये हम रास्ता छूटने का बताते हैं, बंधने का नहीं बताते। बंधन से तो मुक्ति चाहते हो आप, और मुक्ति चाहने के लिए कि छोटे बंधन जो जगत के हैं, और ये गुरु भक्ति के बिना नहीं कट सकते। दूसरी वाणी में कही है कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। मोटे बंधन जगत के कौन से मोटे बंधन? दुनिया भर के हैं हमारे। किसी को शर्म आती है कि सत्संग में जाता है, किसी को शर्म आती है कि ऊंचे कुल का होके वहां जाता है, किसी को शर्म आती है ये धनवान होके वहां जाता है,
वो कहते हैं कि तुम्हारा खाना नहीं, पीना नहीं, घूमना नहीं, कहीं होटलों में रुकना नहीं, तुम क्या करते हो, क्या सत्संग? हमेशा एक छुट्टी का दिन होता है, कहीं आनंद सैर सपाटे के लिए तो जाते नहीं हो, बच्चों को कहीं लेके नहीं जाते, कोई सांग सिनेमा तमाशा देखते, क्या है, सत्संग में चले जाते हो। सत्संग को वो लोग क्या सोचते, अरे सत्संग है क्या उनको, ये जरूरत है ही नहीं, वो जानते ही नहीं है। जो संसार के वो ऐसे गंदगी के कीड़े हैं जो सत्संग को नहीं समझते, वो प्रभु भक्ति को क्या जानेंगे, क्या गुरु भक्ति करेंगे। गुरु भक्ति को वो लोग जानेंगे जो अपने मन को इन विषय वासनाओं से अलग कर लेंगे, क्यों, ये वासनाएं ही तो इंसान को नीची गति की ओर लेके जाती है। जो जिन चीजों से हमें प्रेज करना चाहिए इधर, उन चीजों में हम फंसते जाते हैं, या हम दो चीजों पर टांग रखते हैं, एक तो रखते हैं हम नाव में और दूसरा चाहते हैं जमीन पर भी चलें। ऐसे नहीं हो सकता, या तो नाव की सवारी करो या जमीन पर पैदल ही चलो, एक ही काम बनेगा। अगर संसार में जीना ही है, संसार में रहना ही है, तो फिर इस तरफ का रास्ता तुम्हारे लायक नहीं है। स्वामी जी महाराज ने साहब कही है कि उनके लिए नहीं उपदेश हमारा जिनको जगत कामना मारा, ये जगत की कामनाओं के जो गुलाम है उनके लिए ये उपदेश नहीं है संत मत का। संत मत का उपदेश तो उन लोगों के लिए है जिनको अपने घर जाना है, जिनको अपना कल्याण चाहिए, जिनको संसार में दोबारा नहीं आना है, और जो संसार से सदा के लिए मुक्ति चाहते हैं। वो जीव निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा जो गुरु का अधीनी स्वीकार कर लेगा और अपने आप को उनके शरणागत कर देगा। लेकिन ये बस की बात नहीं है, क्योंकि जब तक हम सतगुरु की मौज नहीं समझेंगे, परमात्मा की मौज नहीं समझ सकते। हम तो मन की मौज समझ सकते हैं, काल पुरुष की मौज समझ सकते हैं, लेकिन मालिक की जो मौज समझ लेगा, जिस हालत में रखे, दुख में रखे, सुख में रखे, सब उसी का मान के छोड़ते चलो। ये थोड़ा होता है कि जब आनंद होता है तो उसी को भूल जाओ। जब हमें थोड़ी सी खुशी होती है, थोड़े से हम किसी लायक हमारे हो जाता है, पेट भर जाता है, जरूरत पूरी हो जाती है, तो हम परमात्मा को कहां याद करेंगे, परमात्मा तो खुद ही कहलाने लग जाएंगे। फिर तो हम खुद ही ये कहेंगे, अरे कुछ नहीं, ये तो झूठी बातें हैं, ये ऐसी कहते हैं। मैंने कहते सुना लोगों को कि गांधी जी बहुत बड़े त्यागी थे, और जब किसी आदमी के पास कोई कमजोरी या किसी चीज की कमी आ जाए तो वो कहते कि भाई टोटे का नाम गांधी है, इसका मतलब गांधी जी ने टोटा भुगता था, इसका मतलब वो बहुत गरीब थे। अरे गांधी जी के पास सब कोई चीज थी, लेकिन त्याग था उनका। हम लोग तो उस त्याग को भी दूसरे रूप में मानते हैं। गांधी जी का नाम टोटा नहीं था, गांधी जी का नाम तो जो जिसने त्याग कर दिया, उसने सब कुछ ले लिया, और जिसने सब कुछ अपनाया उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। संसार का खेल है देखो, जिसने सब कुछ अपनाने की कोशिश, सिकंदर ने सब कुछ अपनाने की कोशिश करी, क्या रहा उसके पास? रावण ने सब कुछ करने की कोशिश की, क्या रहा उसके पास? और जिनके पास बलख बुखारे का बादशाह था, सब कुछ ठोकर मार दी, उसके पास सब कुछ हो गया। कहते हैं कि बलख बुखारे का जब राजपाट को छोड़ के चला गया जंगलों में, और क्यों छोड़ के चला गया कि एक ही ज्ञान की बात सुनते ही, ज्ञान लगता तो है इंसान को, लेकिन किन, एक तो जिसकी प्रारब्ध बहुत अच्छी होती है उस इंसान को मिलता है, एक जिसके पूर्व के संस्कार होते हैं, नंबर तीसरी उसको अब भी अच्छा संस्कार मिला। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कुछ कर्म गति कुछ पूर्व लालेख, ये तीन चीजें एकत्रित होती हैं जब जीव को सतगुरु सत्संग मिलता है। उस जीव को अपना भाग सरना चाहिए जिसको सतगुरु और सत्संग मिल गया, नहीं आज के जमाने में न संत मिलते हैं, न सतगुरु मिलते हैं, न सतनाम मिलता और न ही सत्संग मिलते हैं। सत्संग तो आजकल नाचने कूदने को, ढोल ढमाके को, ताली पीटने को, टिक्के टूर्नमेंट लगाने को, सजा और धजावट को, ड्रामेबाजी नौटंकी करने को सत्संग का नाम दे दिया। इसीलिए इन सत्संगों का महत्व खत्म होता चला गया। नाचे कूदे तोड़े तान दुनिया उसका राखे मान, जो भी नाचता कूदता है देखने के लिए उसको भी इकट्ठे हो जाते, सत्संग की कदर कहां रही। संतों का वचन तो ऐसा होता है कि एक वचन दुनिया को तैयार देगा। तो मैंने पहले बुखारे के बादशाह की बात कही, जो एक ही वचन उसने सुनी थी, एक बांदी का ताना लग गया था उसको,
और बांदी का ताना लगने के कारण अपने घरबार को छोड़ के चला गया, जंगलों में निवास किया उसने। जब जंगलों में जाकर प्रभु की भक्ति करी, लोग सोचते थे कि दुखी है, लेकिन उस जमाने में लोग प्रभु भक्ति को जानते थे। अब तो जो जो काल का प्रभुत्व फैलता जाता है, इंसान की बुद्धि मलिन और ख्याल गंदे होते जा रहे हैं, और बुद्धि की मलिनता के कारण संस्कारों का ना होना, पारिवारिक जीवनों का बिगड़ना, पाश्चात्य शिक्षा की नकल करना, टीवी और रेडियो और अखबारों में अश्लील बातें, मार धाड़ की कहानियां सुन सुन के सब हमारे समाज का बंटाधार हो रहा है। जिन बातों को सबसे पीछे लेके जाना चाहिए था, गंदगी को तो दबाना चाहिए, उससे बदबू नहीं आने देना चाहिए, लेकिन गंदगी को जब उजागर करते जाओगे, गंदगी और बदबू फैलती चली जाएगी, वो रुकेगी नहीं। मुझे पता है मेरे कहने से सत्संगियों को तो अच्छी लगेगी, आम लोगों पर इसका असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो लोग इस चीज के चाहने वाले हैं उनको तो दुख और देगी ये बात, लेकिन फिर भी मैं मजबूर हूं, कहूंगा। मैं जो बात मुझे कहनी है मैं कहूंगा, इसलिए कहूंगा कि जो सत्संगी हैं कम से कम वो सुनेंगे, और उनके संपर्क में जो लोग आएंगे उनको तो रास्ता दिखाएंगे, कुछ लोग तो आखिर सुधरेंगे। लेकिन सुधरना उनके बस की बात है कि काल के जीव नहीं मान सकते। रात दिन अगर मैं बक बक झक झक करूं ना, ये झूठा मेरा थूक बिलोने के सिवाय कुछ भी नहीं है। अगर आप पर किसी पर असर नहीं हुआ तो मेरा समय भी बर्बाद है, मेरा मेहनत और मेरा श्रम भी बर्बाद है, जो मैं काम करता हूं ये वक्त बर्बादी है। लेकिन अगर मेरे कहने से एक जीव का भी कल्याण होता है तो मेरा जीवन सफल है, क्योंकि मैं गुरु की ड्यूटी करता हूं, मैं उसे संतुष्ट हूंगा कि मैंने गुरु के काम करने में कमी नहीं छोड़ी। काल का जीव कब नहीं माने, कोटि कथे ज्ञाना, जैसे लाख आग ढिंग पिघले पाछे काष्ट समाना। हमारी हालत तो उस लाख जैसी है, काल के जीव ऐसे ही हैं, उनको कोटि ज्ञान ग्रंथ कितने उनके सामने खोल के धरो, कितना बखान करो, लेकिन वो मानने वाले नहीं है। वो तो इसी तरह है कि जब तो थोड़ी देर बैठते हैं तो बड़ी नाड़ी लाते हैं, बड़ी टकटकी लगा के देखते हैं, सोचते हैं कि भाई इनको तो बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन यहां से बाहर जाते ही लाख के समान उसे वैसे ही कठोर हो जाते हैं। जैसे लाख को आग के पास रख दो, गर्मी पा के पिघल जाएगी वो, लेकिन आग उससे दूर गई फिर वही काठ के समान। लेकिन मैंने बात कही थी, जो करने वाले होते हैं वो करते हैं, जिनको अपने सुधार की जरूरत होती है वो परवाह नहीं करते, ना दुनिया की परवाह करते हैं, ना तानेबाजी की परवाह करते हैं। झूठे निकारे और निकम्मे आदमी हर प्रकार का प्रयास करते हैं कि उनको रास्ते से डिगाएं, उनको अपने मार्ग से हटाने के लिए हर प्रकार का उनका प्रयास होता है। कितनी तो मच्छंतों पर लगी है, लेकिन उनको इस चीज की परवाह नहीं हुई। जब मस्ती जिसको नाम की मिल गई, परमात्मा की मिल गई, आत्मिक ताकत जिसको मिल गई, जिसको आत्मिक शांति मिल गई, उसको तन की और संसार की परवाह नहीं होती। सबकी देखो, मेरा भाई ने परवाह नहीं की, नास्ती गाती फिरती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल। लोग कहते कि तू राजपूत खानदान की है, तू पर्दा नहीं करती, तेरी शादी हो चुकी है, कोई तेरा जेठ है, कोई तेरा ससुर लगता है, कोई बुजुर्ग है, तुझे शर्म नहीं आती। बोली मुझे शर्म किस चीज की है, मुझे जिसकी शर्म करनी चाहिए उसी की है।